मिस्टर पाकिस्तान तो सुनते हैं, मिस पाकिस्तान भी सुनते हैं, साथ वर्ल्ड जब लगा होता है तो इसका क्या मतलब है? सर वर्ल्ड मतलब जब ये ढूंढते हैं बंदे, मतलब वर्ल्ड मतलब ऑल वर्ल्ड वाइड बंदे, अमेरिका, लंदन, जितने भी पाकिस्तानी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑडिशन स्टेज पे जा सकते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं ढूंढते, ये वर्ल्ड वर्ल्ड में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसमें से एक चुनते हैं, तो इसलिए मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड मतलब दुनिया में एक। सही, तो क्या क्राइटेरिया है इसका? सर क्राइटेरिया ये है कि बहुत मुश्किल होता है, मतलब आपके पास बहुत एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस तरह मैं पिछले 20 साल से काफ़ी टाइम से मॉडलिंग करता आ रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी सारी हिस्ट्री देखी है कि मैंने कौन से लेवल की मॉडलिंग की है, किसके साथ काम किया है, मेरी यू नो क्या क्या प्रोग्रेशन है। उसके बाद इसकी फिर जो स्टेजेस होती हैं, इंटरव्यू होता है, ऑडिशंस होते हैं, काफ़ी स्टेजेस होते हैं। तो फिर बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद ये फिर एंड में जब इनको पता लग जाए कि ये एक बंदा है, मिल आपको पता है कितने पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड अप्लाई करते होंगे, उनमें से फिर इनका जो क्राइटेरिया एक बंदा सूट करता है उसको चुनते हैं। और क्या उस क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, लाइक उसमें? जी जी, क्राइटेरिया में आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, आपने किधर किधर काम किया, आपने कौन से रैंप वॉक किए, आपको वॉक करनी आती है, आपको आप एज अ मॉडल आप किस तरह फोटोज खिंचवाते हो, आपका स्टाइल, आपका इट्स नॉट जस्ट दैट दे नीड समवन विद ब्रेन्स, आपकी एजुकेशन कितनी, आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो इनमें बहुत बहुत लाइक हर चीज़ में मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर ब्रेक डाउन करने में फिर ये एक एंड में चुनते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसकी बॉडी कौन सी है जो इसको चूज करती है? सर बॉडी है जो प्रेसिडेंट ऑफ मिस्टर पाकिस्तान और मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड हैं, जो प्रेसिडेंट्स एंड डायरेक्टर्स हैं ये वो हैं, उनका नाम सोनिया है, शी इज़ द प्रेसिडेंट। वो उनकी जो पूरी यहाँ पे टीम है, सलमान एंड ऑल ऑफ देम अदर पीपल, वो सारे करते हैं, दे हैव अ प्रॉपर गवर्नेंस टीम इनकी एक है। और कितने सालों से हो रहा है ये? पिछले काफ़ी आई थिंक पिछले 2021 से इन्होंने शुरू किया था, तब से हुआ था। तो ये पिछले आई थिंक कोविड के बाद समझ लें पिछले 3-4 साल से हो रहा है ये। तो आपने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम ही आप सक्सेसफुल हो गए, या कोई आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ा? नहीं नहीं, फेलियर मतलब और मॉडलिंग में पिछले इतने सालों में काफ़ी अप्स एंड डाउन होती रहती हैं, बट ये पहली बार अप्लाई किया और पहली बार मैं आई एम हेयर, पहली बार ही नेवर हैड फेल्स विद दिस, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं कि मैंने अप्लाई किया एंड दे एक्चुअली फाउंड मी। तो मैंने उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें की, तो बहुत खुशी हुई कि उनकी अच्छी अच्छी बातें सुन के। अच्छा ये बताएंगे इसमें एज ग्रुप क्या होता है? एज ग्रुप आई थिंक ओपन होता है, यू हैव टू बी आई थिंक ओवर अ सर्टेन एज, मतलब ओवर 21-22, बट दे लुक फॉर मोर इसलिए जो बंदे अपने प्राइम में हैं 25 प्लस के, यू नो वो अच्छी तरह दे वांट अ मैन मिस्टर वर्ल्ड। तो मतलब इट्स नॉट दैट कि सिर्फ वही एज होता है, इफ़ देर इज़ अ वेरी गुड मैन 30 साल का है, 35, देर इज़ नो क्राइटेरिया रियली बिकॉज इज मिस्टर, यू नो, तो एनी वन एडल्ट मैन दैट इज़ वर्थी ऑफ इट कैन डेफिनेटली अप्लाई।